मैंने 1980 में आगाज़ किया था प्रैक्टिस का. देखिए उस वक़्त फ़ीमेल जजेस तो कोई भी नहीं थी, वहाँ पे चंद फीमेल वकला थी और उस वक़्त एक जो बड़ी प्रोमिनेंट वकील थी राबिया कारी, वो भी हयात थी, जो कि सदर रही हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 2 मरतबा और बड़ी दबंग खातून थी और हमारी रोल मॉडल थी वो. फिर उन्हीं दिनों में वो वफात पा गई क्योंकि वो एक प्रोसेशन में गई थी, उनको डंडा लगा था, बीमार हो गई, उसके बाद वो वफात पा गई. ये कोई 82 की बात होगी. और उसके बाद से जो हम चंद खवातीन थीं वहाँ पे, बहुत कम प्रैक्टिस थी औरतों की जो थी भी वहाँ पे, तो माहौल तो एक तरह से वेलकमिंग भी था खवातीन वकला के लिए, मगर एक तरह से पेट्रोनाइजिंग भी था. और ज़ाहिर है हमारे वकालत के शोबे में लिबरल वकील भी होते हैं, मगर उसके साथ साथ बहुत राइट विंग वकील भी थे जिनको पसंद नहीं था, ख़ास तौर पे जिस किस्म की हमारी प्रैक्टिस थी कि हम औरतों के केसेस लेते थे. उन दोनों में हदूद ऑर्डिनेंस नया नया आया था, जो औरतें जेलों में थीं जिनके ऊपर जिना का पर्चे थे वो केसेस हम लेते थे. वकीलों को नहीं पसंद था जो राइट विंग के वकील थे, वो हमेशा कोई ना कोई रखना डालते थे, शोर करते थे. और बहुत सारे ऐसे जजेस भी थे, सारे तो मैं नहीं कहती हूँ मगर काफ़ी थे उस वक़्त, जो समझते थे कि ये खामखामे ऐसे केसेस क्यों आप लेती हैं, और औरतों के बारे में उनकी राय जो थी वो कोई अच्छी नहीं थी. मगर कई बड़े अच्छे भी जज थे जिन्होंने हमें इनक्रेज भी किया, जो समझते थे इन चीज़ों को और प्रोटेक्ट भी करते थे. और कई ऐसे थे जो मिडल ऑफ द रोड थे, वो ये थे कि तब तक वो पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड होता था कि चलें ये खवातीन हैं, इनको तो क्या कानून का पता हो, इनको थोड़ी सी रिलीफ दे दी जाए. मगर जब प्रैक्टिस ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो गई और वाक़ता कुछ सीख गए और इट्स लाइक हो गए कि थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए, तो वो पेट्रनाइजिंग जो वकील थे उन वो भी एंटेगनिस्टिक तरीके से फिर देखते थे. तो मैं समझती हूँ कि बार की तरफ से तो मुझे कोई ऐसे मसले नहीं हुए, मासवा जो राइट विंग वकील थे वो मेरे ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन भी लाए बार के अंदर कि इनको प्रैक्टिस से निकाला जाए, जो डिफ़ीट हुआ बार एसोसिएशन में, वो डिफ़ीट हुआ. और हर बात पे उनको ये एक एहसास रहता था कि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की कोई बात ना की जाए. और क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंसानी हकूक़ के ऊपर और ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर थी, तो ये उनको ज़रा एक आँख नहीं भाती थी. मगर उसके अलावा जो ज़्यादातर वकील थे वो उस वक़्त मिलिट्री गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे, उसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे, तो वो हमारे साथ चलते थे. मगर उस वक़्त का जो मुझे अच्छी माहौल लगता था, जो अब नहीं है, वो ये था कि हमारे जो सीनियर लॉयर्स थे वो सपोर्टिव भी सिर्फ थे नहीं थे बल्कि वो बहुत मदद भी करते थे. किसी भी सीनियर वकला के हम दफ्तर जा सकते थे, उसे पूछ सकते थे, उसे गाइडेंस लेते थे और वो बड़ी अच्छी तरह चीज़ें पढ़ के हमें बताते थे. मैं समझती हूँ सीनियर वकला का भी हाथ था, मगर सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि उन मेरे क्लाइंट्स का हाथ था जो कि लाचार थे, जिनकी आँखों में एक परेशानी देख के इंसान को एक हिम्मत आती है कि ज़्यादा अपना दिल और अपना एफर्ट इसमें किया जाए, किसी तरीके से उनको निजात हासिल कराई जाए बेइंसाफ़ी से. वो जो एक जज्बा आता है वो एक इंसान को एक एक वो मोटिवेशन होती है कि वो काम ज़्यादा करे और लड़े झगड़े. और बहुत लड़ाइयाँ हुई मेरी, आज तक होती हैं अपने जज साहिबान से भी. मुझे याद है कई जज साहिबान मुझसे नाराज़ हो गए कि आपको बदमाश औरतों के सिवा या बदबूदार लोगों के सिवा, क्योंकि मैं भट्टे मज़दूरों का भी बहुत केस करती थी, आपको कोई और क्लाइंट्स नहीं मिलते. हालांकि मैं वो केसेस तो मुफ्त करती थी, मगर मुझे वो सुन के बहुत दुख हुआ कि एक तो प्रेजुडिस माइंड और दूसरा ये. तो फिर मैंने कह ये कि उनको एक एहसास नहीं है कि ये लोग बैठते हैं तो सिर्फ अमीरों को इंसाफ देने नहीं बैठते हैं, बैठते हैं तो उन लोगों के लिए इंसाफ होना चाहिए जो कि वाकई जिनसे बदबू आ रही हो, जो फटे हुए कपड़ों से आते हैं वहाँ पे. तो वो एटीट्यूड नहीं था. देखिए मैं नहीं समझती कि मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का हकूक़ भी इंसानी हकूक़ होता है,
मगर इंसानी हकूक के कई ऐसे पहलू होते हैं जिन जिन जो जो मैं नहीं ले सकती हूँ, मसलन के जैसे एक सोशल भी है, एक इकोनॉमिक पहलू भी है, वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं हैं तो उसके लिए केसेस नहीं ले सकते थे। मगर सबसे दबावा तबका जो इंसानी हकूक का था और जिसके इंसानी हकूक पामाल होते थे वो बच्चे थे, जो जेलों में बच्चे हैं, जो औरतें हैं, औरतों के घरों के अंदर तशद्दुद, और उसके साथ जो कि हमारी अकलियतें हैं, ये मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ खड़े हों। मगर मेरी प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं पैसे भी लेती हूँ और वो हर नौजवान की प्रैक्टिस है, मगर वो प्रैक्टिस ज़रा ऐसे तबके के लिए जो पैसे दे सकती है। देखिए, पहले तो क्योंकि औरत होने के नाते क्लाइंट्स आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो पहले तो मेरे केसेस ज़्यादा नहीं थे, कोई प्राइवेट केसेस, कभी चिदा चिदा आ गए, वो भी फैमिली लॉज के अंदर कोई अमीर खातून हुई तो दे दिया उसने केस, क्योंकि मैं मर्दों का केस नहीं करती हूँ, कस्टडी का मैं किसी मर्द का केस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ क्योंकि हम औरतों के लिए यहाँ बैठे हैं, अगर हमने मर्दों का केस लेना शुरू कर दिया तो वो औरतें कहाँ जाएंगी। ये नहीं कि मैं प्रेजिडिस्ट हूँ, हो सकता है कोई मर्द भी ठीक हो, मगर ये दफ्तर औरतों के लिए है, तो इसलिए उनका तो केस मैं लेती नहीं थी। तो बहुत कम औरतें हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है पैसे देने की, तो इसलिए बहुत कम मेरी प्रैक्टिस थी। फिर चीदा चीदा बेल के केसेस आ गए, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसेस आए, तो वो बढ़ता गया। इंसान मेहनत भी करता है और मैं सच्ची समझती हूँ, सच्चे दिल से ये समझती हूँ कि आज अगर मेरी प्रैक्टिस है जहाँ है वो मेरे उन लोगों की वजह से है, उन साथियों की वजह से है जिनका मैंने मुफ्त केस किया और जिनको मैंने कोई इंसाफ दिलवाया, उनकी दुआएं हैं, वरना क्या मेरी औकात एक इस माशरे में औरत होना और फिर प्रैक्टिस मेरी इतनी बेहतर होना कि शायद मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान में लीडिंग खातून हूँ मैं वकील जो कि प्रैक्टिस करती है, और उनके ही केसेस से मैंने सीखा। दूसरी बात ये कि जब आप लीगल एड के केसेस करते हैं ना तो आपको एक एहसास होता है कि पैसे मिले या ना मिले आपने मेहनत करनी है। तो मुझे तो अब कई दफ़ा ये भी नहीं पता होता कि मेरा कौन सा केस फ्री है और कौन सा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो सारे एक बराबर हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत कम चैम्बर्स हैं जो कि अपने इंटर्नशिप के पैसे देते हैं या प्यूपलिज पे पैसे देते हैं, मेरा ख्याल है कि देने चाहिए, और हम देते हैं, चाहे इतने नहीं देते पर ज़रूर देते हैं, क्योंकि इंसेंटिव होता है और यंग लोगों के लिए इंसेंटिव ज़रूरी है, और फिर वो मेहनत भी करते हैं, आपका उनके ऊपर होल्ड होता है, फिर ये नहीं मुझे कोई कह सकता कि जी आज मेरे पेट में दर्द हो गई। दूसरी बात यह है कि देखिए, वकालत के शोबे में तीन चार चीज़ें सीखने की बहुत हैं। आप एक मिनट लेट गए तो आपका केस ख़राब हो गया, तो पंक्चुअलिटी जो है वो आपकी घुट्टी में होनी चाहिए। आप देखते हैं अगर वकीलों को आप खाने पे बुलाएं, 7 बजे कहें तो 7:15 तक सब पहुंच जाते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी मैं खाने करती हूँ तो 7 बजे लोगों को बुलाती हूँ तो 8 बजे से पहले कोई नहीं आता। जब वकील का खाना करती हूँ तो मैं उसको कह देती हूँ कि भाई 7:30 बजे खाना लगा देना, कि 7:15 तक सबने पहुँच जाना है। आदत बन गई है, एक हिस्सा बन गया है टाइम पे आने का। दूसरी बात यह है कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, 5 साल आपको लगते हैं, 5 साल तक अगर आपकी पॉकेट मनी भी बन जाए तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें। 5 साल ज़रूर लगते हैं, उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो टर्निंग पॉइंट ये होता है कि आपके इतने पैसे बन जाते हैं कि आप थोड़ा बहुत सेव कर लेते हैं। फिर 10 साल के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, फिर उसके बाद इट डिपेंड्स कि आपने कितनी मेहनत की है, आपका नीच निकला है प्रैक्टिस का कि नहीं। कई लोगों का नीच निकल आता है ना, या अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात होती है, फिर आपने कितनी वसी तरीके से अपनी डीप नॉलेज है लॉ की या नहीं है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिर आपकी डिलीवरी क्या है कोर्ट के अंदर, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे वकील हैं जिनको मैं बहुत समझती हूँ माहिर हैं, मगर उनकी डिलीवरी जो कोर्ट में होती है वो इतनी बेहतरीन नहीं होती है। और कई वकील होते हैं जो मैंने देखा है कि मेरा ख्याल है वो
ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और वो डिलीवरी ही डिलीवरी करते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं, केस जब चलता है तो पकड़ी जाती है वो बात। तो आपको ये सारी चीज़ें साथ रखनी होती हैं, एप्टीट्यूड क्या है। दूसरी मैं समझती हूँ कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जज जो है ना, नौज़ुबिल्लाह खुदा नहीं है, आपको उसके सामने झुकना नहीं है, आपको उसको असिस्टेंस देनी है और अपनी डिग्निटी से देनी है। मुझे बड़ा एक गिला है अपनी जो आप कहें अदालतों से, कि वो जब किसी को रिलीफ देते हैं तो इस तरह देते हैं जैसे चैरिटी दे रहे हैं। हम कोई उनके चैरिटी के मोहताज नहीं हैं, या जो लोग वो जाते हैं वो उनसे भीख मांगने नहीं जाते हैं, ये बैठे ही इसलिए, ये उनका काम है, ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो लोगों के हकूक़ को समझें और लोगों के हकूक़ को दें। जब नहीं देते हैं तो बहुत वकील जो है ना उसको गुस्सा आता है। वकील आप देखें कि रोज़ केस हारता है, रोज़ केस जीतता है, कई दफ़ा बॉर्डर लाइन केस भी बंदा हारता है, कोई अफसोस नहीं होता, बिल्कुल दुख नहीं होता। बुरे केस हार जाओ पहले ही पता होता है आज हारना है, मेहनत कर लो मगर हारना है, थोड़ी सी कुछ भागती चोर की लंगोटी पकड़ लो तो बहुत खुश हो जाते हैं। मगर जब अच्छा केस हारें तो बहुत अफसोस इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ डंडी मारी गई है, और ये बर्दाश्त से बाहर है एक वकील के लिए जिसने मेहनत की हो, जिसने कानून को समझा हो। हम वकला से अगर गलती हो भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब जज साहिबान गलती करते हैं तो लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो सत्यानाश हो जाती हैं। हाँ, मैं अफसोस से कहती हूँ कि लीगल एथिक्स जो है हमारी कमज़ोर हुई हैं, और ये भी कि पहले ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि वकील इकट्ठे होके किसी जज को मारेंगे या ज़दकोब करेंगे या अपनी वकालत का जो फ़ायदा उठाएंगे तशद्दुद से, मैं इसको कभी भी कंडोल नहीं कर सकती हूँ। मगर आप ये देखें कि ज़्यादातर जो वकील हैं, 99% वकील सुबह निकलता है और रात को वापस जाता है, किसी दिन कुछ लेके जाता है, ज़्यादा दिन नहीं भी लेके जाता और परेशानी में रहता है। मैं अपनी कैंपेन में मेरा ख़्याल है कोई कम से कम 2000 वकीलों के घर तो गई होंगी, तो मैं क्योंकि औरत हूँ तो मैं अंदर भी घुस जाती हूँ घर के, तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि अंदर के हालात वकील के क्या होते हैं। ऊपर से बड़ा काला कोट ये वो साफ़ सुथरे वो कम जाते हैं, अंदर से क्या हमारे हालात होते हैं ज़्यादातर के, कई हमारी जैसे खुशकिस्मत भी हैं। मगर मेहनत, पढ़ना, हाथ में कलम, दिमाग में सोच, दिल में दर्द, ये एक अच्छे वकील की निशानी है, और आपको यहाँ मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। मगर जहाँ डिटीरियरेशन हुई है ना, ज़्यादातर वो हमेशा से थी, अब ज़रा ज़्यादा सामने आई है, पहले भी थी, मैं नहीं आपको कह रही कि पहले नहीं थी, वो ये है कि हमारे जजों की इंटेग्रिटी में और हमारे जजों की कैपेसिटी में। पहले इतनी अपीलें नहीं होती थी क्योंकि जज साहिबान इतनी ग्लेरिंग मिस्टेक्स नहीं करते थे। अब आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे केसेस हैं कि रोंटे खड़े होते हैं। मसलन जेल अपील आई 3 लोगों की, जज साहब ने 2 का तो ऑर्डर पास कर दिया, 30 का भूल ही गए करना, फिर उस खातून का 3 साल और लगे कि उसका केस लगा जाए। अभी हाल ही में मैंने एक केस किया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील थी डेथ सेंटेंस के ख़िलाफ़, तो मई में हैंग भी कर दिया उसको, अपील लगी 1 साल बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ख़त लिखा वो भी 1 साल बाद दिखा। तो देखें गवर्नेंस जो है ना वो कमज़ोर हो चुकी है। फिर मुझे जिस चीज़ का बहुत दुख है कि हमारे जजों को पब्लिसिटी का बहुत शौक़ है, और वो पब्लिसिटी के खातिर क्या क्या काम करते हैं मुझे बड़ा अफसोस होता है। उसमें नुकसान ये होता है कि वो ख़ास तौर पे जिनको मैं कहती हूँ फरमाइशी पटिशन्स जब लगवाते हैं ना, किसी वकील को बुला के कहते हैं कि पटिशन लगवा दे, चाहे वो अच्छी कॉज के लिए हो, मगर जब आप वकील को अपने साथ कंस्पिरेसी में पटिशन लगाते हैं तो वो वकील फिर आपका फ़ायदा भी उठाता है। मेरे तो बहुत छोटे मेरे से लोग हैं उम्र में
जो के जज लगे हैं, मैं उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, मगर मैं आज तक कभी उनके चेंबर में नहीं गई हूँ। मास्वा अगर कोई केस नहीं मेरा लग रहा तो मैं ये कहने ज़रूर जाऊँगी कि भाई वो केस सुन तो लो, मगर मैं उनको चेंबर में जाके उनके साथ कंस्पिरेसियाँ नहीं करती हूँ और ना करनी चाहिए। ना मेरे जानने वाले जजों ने कभी मुझसे कहा, पूछा तुम्हारा केस लगा है कैसा नहीं है, कभी नहीं कहा। तो मैं ये समझती हूँ कि जब इस तरह एक डिस्टेंस भी होता है जज और वकील में जो रखना चाहिए, और एक इंस्टीट्यूशनल बाकायदा डायलॉग भी होता है, दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए मैं, मेरी जो एडवाइस होगी, जाहिर है अपने तजर्बे से सब एडवाइस करते हैं, हो सकता है इस माहौल में शायद वो पुख्ता ना हो या इतनी असर वाली ना हो, पर जो भी छोटा मोटा सीखा है इंसान ने अपने ज़िंदगी में, मैं समझती हूँ कि ख्वातीन को इकट्ठे मिलके दफ्तर बनाना चाहिए। क्यों? अगर तीन चार आप इकट्ठी होंगी तो हमारे घरेलू बड़े मामलात होते हैं, तो कभी नहीं आ सके तो दूसरी ने पकड़ लिया केस, अकेली ने दफ्तर खोला तो फिर आपका केस कोई नहीं पकड़ेगा और आपका क्लाइंट जो है वो चला जाएगा। फिर ये एक दूसरे का सहारा हम बनते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं तो औरतों को इनक्रेज करती हूँ कि आप बार की सियासत में हिस्सा लें। मैं इससे पहले पंजाब बार काउंसिल की भी मेंबर रही हूँ, और अगर आप वो तस्वीर देख लें तो मैं वाहिद मेंबर थी उस वक्त, और मैं जान के ये समझती हूँ कि होना चाहिए। ये सिर्फ आदमियों का हक नहीं है कि वो हमारी बार काउंसिलें चलाएं, हमारी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है औरतों की वहाँ पर, आप इस चीज़ को ना भूलें। मैंने आपसे राबिया कारी का नाम लिया, हमने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से सेंसिटाइज किया है जुडिशरी को ख़वातीन के हकूक़ के मामले में, अकलियतों के हकूक़ के मामले में, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरीके से हमने बार रूम में भी एक औरत का नाम, एक प्रोफेशनल औरत की पहचान दिलवाई है, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, हम सब की कंट्रीब्यूशन है। और मैं देखती हूँ कि अब जो नई जो बच्चियाँ काम कर रही हैं हमारे बाद जो आई हैं, बड़ी प्रोफेशनल हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है उनको। मैं समझती हूँ मेरे से बहुत सारी इस लायक हैं कि वो जज बन सकें, और हमें उनको इनक्रेज करना चाहिए कि वो जज भी बने, जिसका एप्टीट्यूड ये है कि वो सियासत करे। बाहर की पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी और सुथरी होती है, उसमें आना चाहिए, और उसके अंदर एक सोबरिंग अफेक्ट होता है जब ख़वातीन आती हैं, क्योंकि ख़वातीन की आदत नहीं है कि इधर उधर बैठ के इधर बात की, उसके साथ डबल गेम खेली, उधर डबल गेम खेली, तो ये ज़रूरी है। बाकी ये है कि हर शोबे में ख़वातीन हैं, उनके अपना तरीका होता है। यहाँ पे मैंने सुना एक साहब थे, वो एक खातून वकील को कह रहे थे कि आपने ये कपड़े ऐसे क्यों पहने हुए। मैं समझती ये उनका काम नहीं है। हमारी बच्चियाँ जिस तरह के भी कपड़े पहने, हमारी बच्चियाँ जो हैं उनकी, उनके अंदर एक लिहाज है, उसके अंदर एक डिग्निटी है, और वो कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी किस्म की ऐसी हरकत की हो जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, इक्का दुक्का हर माशरे में होती हैं, मगर ज़्यादातर। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब वकील जो हैं, मर्द वकील ख़ास तौर पे विमेन जूनियर्स को अपनी किताबें दे के चलाते हैं। हमारा काम उनकी किताबें पकड़ना नहीं है, हमारा काम है किताबें पढ़ना। तो मैं जब देखती हूँ, मैं रोकती हूँ वहाँ पे, मैं कहती हूँ ये किताबें आप दे दें अपने सीनियर को, ये खुद पकड़ेंगे, हमारा काम नहीं है ये। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमें करनी है। अब हमने कोशिश की है कि हम बहुत सारी औरतों को जो लाइक माइंडेड हैं उनको इकट्ठा करें, वकील औरतों को, ताकि हम अपना एक कॉकस बनाएं। हमारा कॉकस होगा तो हमारी धाक होगी, वरना हमें अकेले अकेले ये नहीं पूछेंगे। और ये सिर्फ वकील की बात नहीं है, दुनिया का ये तर्ज है कि जहाँ पे मेजॉरिटी हो जाए और यहाँ पे मेल प्रोफेशन है वो तो अब देखें। मैं भी जब सदर बनी हूँ, मैं तो अब इनको तंग करती हूँ कई दफ़ा अपने साथियों को। मैं कहती हूँ जब मुसीबत में पड़ते हो तो फिर औरत को सामने लाते हो। तो जब इफ्तिखार चौधरी साहब को टकरना था तो तब तुम्हें आसमा जहांगीर याद आ गई, वरना आपको ना याद आती कभी। इसी तरह अब फिर कोई मसला हो जाएगा तो फिर इनको कोई औरत याद आ जाएगी। तो इसलिए अपनी धाक, अपना कॉकस, अपना प्रोफेशन, प्रोफेशनली अपने आप को मनाना, फिर हमारी इज्जत होगी। और
बहुत टॉलरेंट हैं बाय एंड लार्ज मैं मेल वकील की बात कर रही हूँ, बहुत टॉलरेंट हैं। बल्कि मुझे ये अफसोस है कि हमारी फीमेल इतनी टॉलरेंट नहीं है, उनके जो ख्यालात हैं वो कोई ऐसे प्रोग्रेसिव नहीं हैं। हालांकि इस प्रोफेशन में प्रोग्रेसिव ख्यालात वाले ही लोग आगे चल सकते हैं।